हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमाना जर्नी का पार्ट थर्ड। अभी तक मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ा दिया है, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी शामिल है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एवियस चैप्टर एट, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। 17 मई नाइट। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टयम इन द नाइट। ओमाना काफ़ी लंबी ट्रेन जर्नी के बाद कोट्टयम स्टेशन पहुंच चुकी थी और कोट्टयम स्टेशन से वलियामा का घर ज़्यादा दूर नहीं था। वे सभी दो ऑटो रिक्शा करते हैं वलियामा के घर जाने के लिए। वलियामा के घर पहुंचने के बाद ओमाना को इतनी नींद आ रही थी कि वो खाने का भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी। फिर ओमाना नहा कर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह ओमाना की अम्मा ओमाना को जगाने के लिए आती है। फिर ओमाना का परिवार तैयार होकर सारे सामान लेकर बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। वलियामा का भी परिवार अब उन लोगों के साथ था। अब वे 10 लोग हो चुके थे और लगेज यानी कि सामान भी बढ़ चुका था। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बाउट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आने के बाद अप्पा ने सबके लिए टिकट खरीद लिया। हम लोगों को बस में सीट मिल चुकी थी। कुछ समय के बाद बस में बहुत भीड़ होने के वजह से लोग अपने सीट को शेयर कर रहे थे। हम लोगों ने भी अपने सीट को शेयर किया। लंबी दूरी तय करने के बाद बस लास्ट स्टॉपेज पर पहुंच चुकी थी। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि मैं अब बस से बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि मेरे पैर पूरी तरह से दर्द कर रहे थे। आई थाउट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमुमाज विलेज। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अमुमास गांव पहुंच चुकी हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बस ने हम लोगों को पानी के पास छोड़ दिया था। फिर ओमाना की अम्मा ने बताया, देखो पानी के उस पार हमें जाना है। लेकिन ओमाना को लगा हम लोग कैसे पानी के उस पार जाएंगे। जस्ट देन आई सो अ बिग बोट कमिंग, देर इज़ द फेरी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक बड़ी सी नाव है, इसे हम लोग फेरी कहते हैं, अम्मा ने बताया। फिर ओमाना ने देखा कि एक नाव आ रही है। अम्मा ने कहा यह फेरी है और बहुत सारे लोग उस फेरी से उतर रहे थे, जैसे स्कूल के बच्चे, महिला पुरुष आदि। सभी लोगों के अपने अपने सामान और लगेज थे, अपने अपने सामान थे, लगेज थे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर लाता रहूँगा आप लोगों के लिए और क्वेश्चन आंसर भी कराता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो ओमाना की अम्मा ने कहा, लोग फेरी का इस्तेमाल करते हैं पानी में एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए। एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। फेरी खाली हो चुकी थी और लोग हम लोग के साइड से चढ़ने लगे थे। सभी लोग फेरी पे चढ़ने से पहले पैसे दे रहे थे। बहुत जल्द ही फेरी लोगों से भर गई और चल पड़ी। ओमाना ने कहा, मैं फेरी के रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि जब स्थिर पानी में नाव आगे बढ़ी तो पानी में लहर सी बन रही थी नाव के पीछे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। रिपलिंग का मतलब होता है लहराना। जब फेरी आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, तो कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, तो कुछ लोग नहा रहे थे, और मैंने नदी किनारे नारियल के पेड़ भी देखे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपीयर्ड इन टू द वाटर द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। सूर्य के डूबने से पहले फेरी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। अब समय आ चुका था कि हम लोग फेरी से बाहर उतरे। फाइनली ओमाना अमुमाज पहुंच चुकी थी। ओमाना के लिए ये जर्नी काफ़ी लंबी और इंटरेस्टिंग रही। तो देखा आप लोगों ने ओमाना की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही और कितनी रोमांचक भरी रही। तो इस तरह की जर्नी आप लोग भी कर चुके होंगे। आप लोग अपनी जर्नी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि आप लोग की जर्नी कैसी रही थी, आप लोगों ने किस तरह से इन्जॉय किया था अपनी जर्नी को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओमाना ट्रेवल बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर सी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। कैन यू रिमेंबर वॉट दीज वेयर? द ट्रांसपोर्ट्स वेयर ऑटो रिक्शा, बस एंड फेरी। ओमाना जब ट्रैवल कर रही थी तो उसने कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली थी? तो हम लोग कह सकते हैं ऑटो रिक्शा, बस एंड फेरी। ओमाना जब ट्रेन से उतरती है तो वो ऑटो रिक्शा लेती है, बस लेती है और फेरी लेती है जाने के लिए। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने किस तरह के व्हीकल में ट्रेवल किया है। तो आप ये कह सकते हो आई हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा,
टांगा, बुलॉक कार्ट, बोट, साइकिल, स्कूटर, कार, टैक्सी, सीप, मेट्रो, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो आप कह सकते हो कि मैं एरोप्लेन से भी जा चुका हूँ, ऑटो रिक्शा से भी जा चुका हूँ, टांगा से भी जा चुका हूँ, बोट, बाइसाइकिल, ना जाने बहुत सारे व्हीकल का मैं सहारा ले चुका हूँ ट्रैवल के दौरान। तो इस तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर को इसको लिख सकते हैं, आप लोग किस तरह से ट्रैवल के दौरान किस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट, वाई? आपने किस तरह के राइड का सबसे ज़्यादा मज़ा लिया, कौन सा राइड जो था आपके लिए सबसे बेहतरीन था? तो आप कह सकते हो आई इन्जॉयड द ट्रेन राइड द मोस्ट। तो ट्रेन राइड यानी कि ट्रेन का जर्नी जो है वो ज़्यादा अच्छा था। आप लोग अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों की बस जर्नी अच्छी हो, है ना? तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख सकते हैं। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमुमास प्लेस? ओमाना जब अहमदाबाद को 16 मई को छोड़ती है तो वो अमुमास के विलेज में कितने घंटे में पहुंचती है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद एट 11:45 AM। ओमाना ने अहमदाबाद को 11:45 AM में छोड़ दिया था 16 मई को, एंड रीच्ड अमुमास प्लेस एट 11:30 PM। और अमुमास के प्लेस पर पहुंची थी वो कब? 11:30 PM में 17 मई को। और इट टुक 36 आवर्स, और उसे कितने घंटे लगे? 36 आवर्स का समय लगा था। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? क्या आपने बहुत ही लंबी जर्नी पर आप कभी गए हैं, और आप कहाँ गए हो? तो आप कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा हूँ, तो इस तरह से आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी विच लास्टेड मोर देन 24 आवर्स। तो मैं लॉन्ग जर्नी पे जा चुका हूँ, करीबन वो 24 आवर्स का जर्नी था। आई वेंट फ्रॉम होम टाउन टू दिल्ली, मैं अपने घर से दिल्ली गया था, तो करीबन वो 24 आवर्स का जर्नी रहा था। ये जर्नी जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। आप लोग जब जर्नी के दौरान कहीं जा रहे होंगे तो आप लोग किस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड का इस्तेमाल किए थे, उसके बारे में लिखना है। तो आई यूज़ ऑटो रिक्शा, ट्रेन एंड टैक्सी। तो मैंने ऑटो रिक्शा किया, ट्रेन किया, फिर टैक्सी किया, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का मैंने सहारा लिया जर्नी के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। तो आपकी जर्नी कितनी लंबी रही थी? तो माई जर्नी वॉज मोर देन 24 आवर्स लॉन्ग, करीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस जर्नी के आंसर को लिख सकते हो। ओमानाज अप्पा बाउट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस, कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स? ओमाना के अप्पा ने ट्रेन और बस टिकट खरीदा था। आप लोगों को ये बताना है कि और भी अन्य ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसके दौरान जो आप टिकट आप खरीदे हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो वी नीड टू बाई टिकट्स फॉर एयर जर्नी। तो हम लोग जब भी एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो भी फ्लाइट के दौरान भी क्या होता है, टिकट की ज़रूरत पड़ती है। स्टीमर्स एंड फॉर मेट्रो रेल, मेट्रो का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भी टिकट की ज़रूरत पड़ती है, और स्टीमर्स जो पानी में चलते हैं उसके दौरान भी क्या पड़ता है, टिकट का इस्तेमाल पड़ता है। समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू इंटर अ प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कभी कभी हम लोग किसी जगह पर जाने के लिए भी, किसी जगह पर विजिट करने के लिए भी टिकट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सर्कस, सिनेमा हॉल, जू एक्सेट्रा। वी नीड टू बाई अ टिकट टू इंटर सिनेमा हॉल, सर्कस, जू एक्सेट्रा। इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हो। नीचे एक पिक्चर दिया गया है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। रेलवे टिकट का एक पिक्चर है, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। तो नीचे में जो टिकट के बारे में डिटेल दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर द ट्रेन नंबर की बात की जाए तो ट्रेन नंबर कितना है, 9037। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है। एंड सेकेंड क्या था क्वेश्चन, कि द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जो डेट है वो यहाँ लिखा हुआ है 24/12/2006। यहाँ पर डेट को फिलअप करना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट द बर्थ एंड द कोच नंबर, बर्थ और कोच नंबर कितना था, 21, 22 एंड 23। ये रहा कोच नंबर, है ना, ये रहा कोच नंबर 21, 22 एंड 23। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, और टिकट का जो कॉस्ट है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2578 कैश, तो 2578 कैश यहाँ पर लिखा हुआ है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 643 किलोमीटर, तो 643 किलोमीटर हम लोग यहाँ पर लिख दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट राइट वॉट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। तो टिकट पे और भी अन्य चीज़ें लिखी रहती है, जैसे PNR नंबर होता है, नंबर ऑफ़ एडल्ट यानी कि कितने बड़े लोग हैं उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं उस टिकट के ऊपर लिखा होता है, क्लास लिखा होता है 2 AC 3 AC स्लीपर, आप कौन से बॉगी में सफ़र कर रहे हो, कोच नंबर लिखा होता है ना, फिर टिकट कहाँ से है, आप कहाँ से चढ़े हैं और कहाँ आपको जाना है वो लिखा होता है, किलोमीटर लिखा होता है आपका डिस्टेंस कितना है, कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और टिकट नंबर लिखा होता है कितना टिकट का आपका नंबर है, बोर्डिंग लिखा होता है यानी किस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन नेम भी लिखा होता है कि जैसे आप कौन सी ट्रेन है, अवध एक्सप्रेस है, स्वतंत्रता सेनानी है, संपर्क क्रांति है एक्सेट्रा, इस तरह के आप लोग ट्रेन नेम भी लिखना है, ट्रेन डिपार्चर टाइम और ट्रेन ट्रेन आने और जाने का जो टाइम है वो भी लिखा होता है उस टिकट के ऊपर। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन उस टिकट पे रेलवे टिकट पर लिखे हुए होते हैं। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन अलॉन्ग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, द डिस्टेंस कवर्ड एक्सेट्रा। तो एक रेलवे टिकट पे ट्रेन का रूट, डिस्टेंस, टाइम ट्रैवल, डेट एक्सेट्रा ये सब लिखे हुए होते हैं। तो हम लोग रेलवे का टाइम टेबल कहाँ से खरीदते हैं, रेलवे स्टेशन से खरीदते हैं। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल आर गिवन। ओमाना ने जो ट्रेवल के दौरान जो रूट था वो इस तरह से था जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओमाना के डायरी में जो जो स्टेशन के बारे में चर्चा हुई है वो सब स्टेशन को सर्कल करना है। तो पहला सर्कल स्टेशन कौन सा होगा, गांधीधाम, सेकेंड वन इज़ अहमदाबाद एंड थर्ड वन इज़ वलसाद, खोजीकोड एंड कोत्तम। तो ये सब स्टेशन जो था ओमाना के डायरी में नोटेड डाउन था, ठीक है। तो ये सब आप लोग सर्कल करके लिखना है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन जो थी ओमाना की वो कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। तो द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम, ट्रेन जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर तक ट्रेन रुकी थी। तो द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर 20 मिनट्स एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन जो है वो 20 मिनट के लिए रुकी थी। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव, तो जो ट्रेन है वो मडगांव कब पहुँची थी। द ट्रेन रीच मडगांव ऑन द सेकेंड डे, तो वो ट्रेन जो है वो मडगांव दूसरे दिन पहुँची थी। इस ट्रेन जर्नी में सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट खोजीकोड स्टेशन, सुनील और अन जो थे वो कहाँ पे उतरे थे, खोजीकोड स्टेशन पर उतर गए थे। ओमाना गॉट ऑफ एट कोत्तम स्टेशन, और ओमाना कहाँ उतरी थी, कोत्तम स्टेशन पे। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोत्तम फ्रॉम खोजीकोड, खोजीकोड से कोत्तम के बीच में लगभग उसे कितना आवर्स लगा था, कितना टाइम लगा था। द ट्रेन टेक 6 आवर्स टू रीच फ्रॉम खोजीकोड टू कोत्तम, जो ट्रेन है वो खोजीकोड से कोत्तम करीबन 6 घंटे में पहुँचाई थी। What is the distance that the train traveled over the whole route? तो करीबन वो कितना डिस्टेंस जो है कवर की थी ट्रेन, जहाँ से वो चली थी और जहाँ वो पहुँचाई थी। द ट्रेन ट्रेवल्स 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट, जो ट्रेन है वो करीबन 2649 किलोमीटर ट्रेवल की थी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए ओमाना को। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाई ट्रेन, तो ये जो पहले वाला जो आंसर था 2649 किलोमीटर, ये जो ट्रेन है, ट्रेन ट्रेवल जो कर रही है पूरे रूट पर, वो कितना है 2649 किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन, ओमाना ने ट्रेन के थ्रू कितना दूर डिस्टेंस जो है वो कवर किया था, तो करीबन वो 2418 किलोमीटर वो ट्रेन के थ्रू कवर की थी। तो दैट्स इट, ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हुआ, ओमाना जर्नी विद क्वेश्चन आंसर। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस वीडियो को देखें। आप लोग चाहते हैं तो ये PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन आंसर के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Take care and goodbye.